दोस्तों, आज मैं गुलदाउदी के पौधे की देखरेख की आपको एक तरीका बताऊंगा और इसमें कौन सी खाद आप देंगे वो पूरा तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप गुलदाउदी के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग ले सको। गुलदाउदी का पौधा इस समय जो है अच्छी ग्रोथ करता है और इसमें फ्लावरिंग सर्दियों के समय बहुत अच्छी होती है। गुलदाउदी के पौधे में एक चीज़ आप खास होती है, गुलदाउदी का पौधा जब पुराना हो जाता है तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग उसकी आसानी से लग जाती है। अगर आपने कटिंग अभी नहीं लगाई है तो अभी भी लगा सकते हैं आप। इसकी कटिंग लगाना आसान है, मैंने कुछ वीडियो इसकी कटिंग लगाने के बताए हैं कि किस तरीके से इसकी कटिंग लगाई जाए, जिससे कि आप गुलदाउदी के पौधे से बाद में अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। गुलदाउदी के पौधे में एक खास बात ये होती है कि आप इसकी पिंचिंग करते रहें। जैसे आपका पौधा कटिंग से तैयार है, जैसे देखिए मेरे छोटे पौधे तैयार हैं, ये हैं, इनकी आप पिंचिंग करते रहें तो इसमें क्या है, खूब सारी ढेर सारी ब्रांचेज आएंगी। देखिए मैं इसकी पिंचिंग करते रह रहा हूँ, तो देखिए ये छोटे पौधे हैं, इनकी पिंचिंग करते रहेंगे तो बाद में ये इस तरीके से घने हो जाएंगे। ये मेरे गुलदाउदी के कुछ पौधे हैं, अलग अलग कलर के पौधे हैं, मैंने 3-4 वेराइटी के कलर के पौधे लगा रखे हैं और इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही थी और पौधा भी घना हो गया है। एक खास बात मैं आपको ये बताऊंगा गुलदाउदी के पौधे में कि इसमें इस समय आप जो नर्सरी में जो सीक्रेट खाद होती है वो जो देते हैं, जिससे कि आप देखते होंगे कि एक छोटा पौधा भी उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप नर्सरी से पौधा लाते हैं, उसमें खूब सारे फूल खिले रहते हैं और एक छोटा सा पौधा होता है। मैं आपको उस खाद के बारे में बताऊंगा जो इससे मैं आप देंगे तो पौधे में, तो आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। वो खाद मैंने तैयार कर रखी है, ये देखिए मैंने ये खाद तैयार कर रखी है और इसको तैयार करे हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं और ये खाद बिल्कुल रेडी है पौधों में देने के लिए। इससे मैं आप अपने पौधों में इस खाद को देंगे तो आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ भी होगी और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जब ये खाद तैयार हो जाती है उससे पहले आपने क्या करना है, गुलदाउदी के पौधे में अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। पौधे की गुड़ाई अगर आप करते रहेंगे 8-10 दिन में, तो इसमें क्या होता है, जड़ों का जो खाद लेने का, जो जड़ें जब खाद लेती हैं तो उसके लिए आप लिक्विड खाद जो देते हैं पौधे में, तो उसकी गुड़ाई करना जरूरी होता है, क्योंकि जड़ें खाद तभी लेंगी जब इसमें गुड़ाई अच्छी होगी। क्योंकि अगर वो खाद ये दे देते हैं हम पौधों में तो ये ऊपर ऊपर रहती है, पौधों की जड़ें इसको नहीं ले पाती हैं। तो आप पौधों की जो गमले में जो मिट्टी है उसकी अच्छे से गुड़ाई करते हैं। इस तरीके से गुड़ाई करने से क्या होता है, जो जड़ें होती हैं उसमें हवा का संस्करण बना रहता है। अगर पौधों की जड़ें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तब भी इसमें जो है आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। तो आप पौधे की जो जड़ों को हल्का सा इससे गुड़ाई करके हल्का सा खोल दीजिए, जिससे कि जड़ों में जो खाद देंगे हम वो पौधा आसानी से ले सके और पौधा अच्छी ग्रोथ करे। तो सबसे पहले आपने गुड़ाई जैसे कर दी है पौधे की, उसके बाद आपने क्या करना है, आप नर्सरी से पौधा लाते हैं, जैसे इस प्रकार का नर्सरी का नर्सरी से आप पौधा लाते हैं। ये देखिए इसमें कुछ कलियां आ गई हैं, कुछ दिनों में ये फ्लावर बड फूल बन जाएंगे। तो आप जब नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसको रिपोर्ट करते हैं, तो उसको बड़े गमले में करिए, कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में करिए, क्योंकि गुलदाउदी का पौधा जितना घना होगा उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो आप बड़े गमले में करेंगे तो तभी वो घना हो पाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको एक खाद दिखाता हूँ, ये खाद घरेलू खाद है, ये मैं घर में ही तैयार करता हूँ। ये देखिए जैसे केले के छिलके और चाय पत्ती हैं, आप इसको चूरा कर देंगे बिल्कुल, जब सूख जाएंगे चाय पत्ती आप यूज करते ही हो गए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको एक गमले में दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी मिट्टी देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है और इसमें पानी रुकता नहीं है। तो ये आप केले के छिलके और जो ये चाय पत्ती है इसको पौधे की जड़ के आसपास इस तरीके से डाल देंगे। इसमें क्या होता है, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि जो फ्लावर बड है उनको खिलने में सहायता मिलती है। तो आप इसको इस तरीके से डाल देंगे और पौधे की हल्के से मिला देंगे मिट्टी में। और एक चीज और देखेंगे, अगर पौधे आपका जैसे एक स्टेम है नीचे से कोई ग्रोथ आ रही है तो नीचे से इसकी ग्रोथ निकाल देंगे आप, नीचे से कोई ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ये पौधा ऊपर को ही ग्रोथ करना चाहिए। अब एक लिक्विड खाद अब मैं बताता हूँ आपको कैसे देनी है आपने। ये जब आपका लिक्विड तैयार हो जाएगा 3 दिन बाद, उसके बाद आपने इसको सारे पौधों में, जितने आपने पौधे लगाए हैं कम से कम
10 से 15 पॉट के लिए तैयार हो जाएगा आपका। ये मैंने देखिए ये पूरा लिक्विड इसमें डाल दिया है। ये इस तरीके से मैं पौधों में देते रहता हूँ 10-15 दिन में। आप भी अगर इसको देंगे तो आपके पौधे में भी अच्छी ग्रोथ होगी। ये मैंने इस तरीके से डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को पूरा मिलाते रहेंगे और जब भी आप पानी देते हैं, एक दिन पानी रुक के देना है आपने, एक दिन इसमें पानी नहीं देना है। उसके बाद आपने अपने जो गमला है उसमें इस तरीके से पानी दे देना है और इसको गुलदाउदी के पौधे को आपने पूरे दिन की धूप में रखना है। और इसके बाद देखेंगे आप इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ होने लग गई है और इसमें फ्लावर बर्ड भी अच्छे आने लग गए हैं। ये देखिए मैं इसमें पौधों में देते रहता हूँ तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है पौधों में। ये लिक्विड खाद तैयार करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको देखिए यह है सरसों की खली। सरसों खली यानी मस्टर्ड केक भी होता है, यह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या आप बीज की दुकान में जो होता है वहां भी मिल जाएगा। सरसों की खली आपको मात्रा में परसेंटेज में नहीं बताऊंगा। आपने क्या करना है, सरसों की खली 2 मुट्ठी सरसों की खली लेनी है, 2 मुट्ठी कम से कम। जैसे एक बाल्टी मैंने देखी है तैयार कर रखी, इसमें आप 2 मुट्ठी सरसों की खली लीजिए। उसके बाद आप लीजिए नीम खली। यह है नीम खली, ये भी आपको ऑनलाइन और मार्केट में भी मिल जाएगा। नीम खली आपने 1 मुट्ठी लेनी है। नीम खली से क्या होता है, नीम खली से जो मिट्टी में फंगस लगने की शिकायत होती है वो नहीं लगेगी और जो मिट्टी में कीड़े वगैरह लग जाते हैं वो नहीं लगेंगे। तो आप नीम खली 1 मुट्ठी लीजिए और सरसों खली 2 मुट्ठी लीजिए। सरसों खली में बहुत पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के विकास के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन और मल्टीग्रेन न्यूट्रिशन। तो आप पौधे की मिट्टी में सरसों की खली का भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज और देखिए, आपने क्या लेना है, डीएपी। डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट होता है। ये पौधों की जड़ों के ग्रोथ के लिए और पौधे के विकास के लिए और जो फ्लावर बर्ड्स आती हैं उनको खिलने के लिए मदद करता है और फूल भी इससे अच्छे खिलते हैं, बड़े साइज के फूल खिलते हैं। ये होती है केमिकल खाद। इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि फूल जो होते हैं उसमें जो खिल नहीं पाते हैं, कई बार उसमें जो कई न्यूट्रिशन होते हैं जो बहुत माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। हम कोई भी खाद देते हैं तो उससे नहीं मिल पाते हैं। तो आप डीएपी जरूर यूज करिए। फूलों वाले पौधों में मैं डीएपी का यूज करते रहता हूँ। तो डीएपी आपने देनी है 1 मुट्ठी डीएपी डाल देंगे इसमें। जैसे कोई चीज में तैयार कर रहे हैं हम बर्तन में तो 1 मुट्ठी इसमें डीएपी डाल देंगे। उसके बाद आपने एक चीज और देनी है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या देना है आपने। ये देखिए मैं इकट्ठा करके रखे रहता हूँ, ये गोबर खाद है। ये देखिए बिल्कुल सड़ी हुई गोबर खाद होती है, वो है सड़ी गोबर खाद यूज करिए। जो ताजी गोबर होता है उसको यूज मत करिए, कम से कम 1 साल पुराना गोबर खाद होनी चाहिए। वो भी आपने करीब ये देखिए 1 मुट्ठी पूरी 1 हथेली के बराबर ये आपने बकेट में डाल देना है। इसमें भी कई प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में देंगे पौधे में तो आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। तो उस प्रकार से आप इसको तैयार करेंगे, इसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए। उसके बाद इसको 3 दिन के लिए ढक के रख दीजिए कोई छाया वाली जगह में। इसमें थोड़ी सी स्मेल आएगी, स्मेल जो है खाद बनाने में थोड़ी आती है, थोड़ी मस्टर्ड केक और गोबर की खाद है इसलिए स्मेल आएगी। और इसको आप 3 दिन तक इस तरीके से हिलाते रहिए, इससे क्या होगा पूरा लिक्विड आपका तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप गुलदाउदी के पौधे की केयर करेंगे तो आपके पौधे में भी कुछ समय में आप देखेंगे बहुत सारी फूल खिल रहे हैं और पौधा भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये खाद बनाने का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।